तो अभी हम लोग आए हैं एवियन शॉपिंग पार्क, बहुत सालों से रह रहे हैं इसको, इन सबको सब कुछ पता है। मैं आपको दिख रहा है वो गाड़ियों, मतलब सेकंड हैंड गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे। कार हमको एक ही लेना है और घूम हम कल से घूम रहे हैं। सो वेलकम बैक टू दिस माई चैनल। फिलहाल कल मैं आपको नहीं दिखा पाया पूरा कालवी किचन, तो बाद में दिखाऊंगा पूरा। और अभी तो हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। मुझे जो सिम कार्ड लेना था कल, वो आज लेने जा रहे हैं हम। तो आज सब खुल चुका है तो हम लोग सिम कार्ड लेंगे पहले आज। अरे अरे अरे, थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है हमें। और ये भाई है हमारे साथ याग्निक अहमदाबाद से। हेलो एवरीवन। सो ये भी यहाँ पूरा एक्सपीरियंस कर चुके, कितने साल, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल। और बस मेरे भाई के साथ सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी तो हम लोग जा रहे बाहर। अलग जोन नहीं है बाहर जो हुए तो अपने आप ये जोन है अत्यारे जो ना सौथी पहला बे वार आ एक बार दबावा नो हां एक बार दबाओ तो यहां से केरला सेंड ना को ओके ये भाई कॉइन ना को टिकट निकालने के लिए। और हमारे टिकट दिखाते पहले, ये हमारे 97 की टिकट है या 30 मिनट्स के लिए, तो 30 मिनट्स में जाके आ जाएगा वापस। तीनों लोगों के लिए, तीनों लोग आप लोगों के पास, हमारा पास है, पास है, पास होल्डर है, पास चलता है इंडिया की तरह यहाँ पे भी। इन लोगों के पास पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं फिलहाल टिकट लेके 10 दिन का बड़ा भरो और 30 दिन घूमो। हाँ, ये लो, मैंने टिकट लेनी पड़ी मुझे, अभी मेरा कार्ड नहीं आया इसलिए। तो आ गई है हमारी बस, जगह है कि नहीं, लंबी बस होती है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो, बहुत लंबी। थोड़ा नज़दीक ही जाना है, कैसे भी लोग तो बस नज़दीक ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और कितना दूर जाना है अपने को, 15 मिनट लगेगा, तो मैं आधे घंटे के लिए तो जाके आ जाएगा वापस अब तक। तो पंच करवानी की नहीं, बस इसी तरह से टाइमिंग देगा, इस तरह से ही पंच करनी होती है यहाँ पे। ये देखो बैठ गए, शर्म भरम है कि नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना कि कब से। तो अभी हम लोग आए हैं एवियन शॉपिंग पार्क, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और मुझे जो सिम लेना था वो शायद यहीं से मिल जाएगा। क्या है, क्या है ये वाला, तो फोर दिख रहा है, फोर लिखा है, वो उधर से नहीं दिखेगा कैमरे में से। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ ऐसा शॉपिंग सेंटर होता है पूरा। और एविया, और ये कल हमने पिज्ज़ा खाया था, कल हमने नहीं खाया, इधर का मंगवाया था। अच्छा सॉरी, वो डोमिनोज। तो ये हमारा भाई के साथ घूम घूम के मेरा दिमाग। ओह, तो ये कुछ है फोर का जो सिम लेना है हमें, वो उसका एडवर्टाइज किया हुआ है। बस सिम ले लेते हैं अंदर जाके फटाफट, मिल जाना चाहिए, आज तो सब खुला है तो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसा होता है, इस तरह से होता है, पूरा गोल गोल घूमता है, पूरा गोल गोल घूमता है, ये तो पूरा गोल गोल घूमता है। हमारे देखने को डिस्प्ले वाला डिस्प्ले जो ले वाला, एमा सु बताओ,
કોઈ બી લોકેશન સર્ચ મારવું હોય તો આવું ઇન્ડિયામાં છે? અચ્છા, ઇન્ડિયામાં નહીં આવું, ઇન્ડિયામાં ખાલી ઇનોરબીટમાં છે, પણ ટચ સ્ક્રીન વાળું નહીં, ખાલી મેપ મૂકી દીધો છે. અચ્છા, કુછ ઇસ તરહ કા મોલ હૈ પૂરા લેવિસ કા શોરૂમ હૈ. કિધર જાના હૈ ગાય? કેડી મેં. કેડી કિધર હૈ? કેડી હમ કેડી મેં જા રહે હૈ, જો સબસે સસ્તી દુકાન હૈ વહાં પે, ઇન્ડિયન ઇન્ડિયન ટાઈપ કા, અમદાવાદ કે તરહ ટાઈપ કા, વો સસ્તા સારા મજબૂત ટીકા મિલતા હૈ. સહી બાત હૈ, સબ લોગ બહોત સાલો સે રહે રહે હૈ, ઇસકો ઇન સબકો સબ કુછ પતા હૈ, હમે કુછ નહીં પતા હૈ. યહાં કી મહેંગી ચીઝે ક્યું ખરીદને? गाइज, हमें यहाँ से भी सिम कार्ड नहीं मिला जो हम लोग लेना चाहते थे. वो सिम कार्ड मतलब है ही नहीं, सिम कार्ड की कोई जगह ही नहीं यहाँ पे, तो अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं. कार्ड नहीं, कल से हम सिम कार्ड ही ढूंढ रहे पूरे ब्लॉग में. सिम कार्ड नंबर ख़त्म हो गए यहाँ के. कल भी पूरे ब्लॉग में मैंने यही बताया, सिम कार्ड ढूंढ रहे, सिम कार्ड ढूंढ रहे. अभी आज भी सिम कार्ड ही ढूंढ रहे. अभी जाते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे मिल जाएगा. 10 नंबर वाला नंबर होता है यहाँ पे, 9 नंबर वाला है, सब खत्म हो गए. बस आगे जाते देखते रहे मिलता है कि नहीं मिलता है. तो ये जो है एवियन मॉल है जहाँ से हम अभी बाहर निकले हैं. सामने है क्या है, प्रिस्पॉस क्या है ये, अगर नाम भी ऐसे लिखे पता नहीं चलता मेरे को. और इधर बस स्टैंड है पीछे की तरफ, और यहाँ से बस आएगी हमारी. फिलहाल हमने आने जाने की टिकट्स ले ली है, 90 सेंट मतलब अराउंड 1 यूरो होता है 90 सेंट मतलब, तो 30 मिनट, 1 यूरो में 30 मिनट आप घूम सकते हो बस के अंदर. और वैसे ही वापस के लिए ली है, तो आने जाने की हमने ले ली है. तो बस अभी एक बस चेंज की मैंने, और दूसरी बस आ चुकी है, दूसरी बस में जाऊंगा मैं. तो आ गई है हमारी बस जिसमें हमें जाना है. सत्तर साल की आंटी चला रही है बस. इस तरह से स्कैन करना है यहाँ पे, और बस की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं हिल रहा हूँ पूरा. तो बस अभी हम लोग तो पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ सिम मिलता है कि नहीं मिलता है. और ये सामने आपको दिख रहा है वो गाड़ियों मतलब सेकंड हैंड गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, थोड़ा दिखा था आपको नज़दीक से मैं. सेकंड हैंड गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है, जैसे यहाँ अपने यहाँ मिलती है, इस तरह से यहाँ पर भी मिलती है. यहाँ पर गाड़ियों से ज़्यादा बाइकें महंगी है, तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ प्रीफर करते हैं चलाने के लिए. और गाड़ियों के रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत कड़क होते हैं, मतलब कड़क बोले तो बहुत कुछ नहीं, छोड़िए चलो. तो सामने आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे, पूरा पहाड़ पहाड़ के बीच में से घिरा हुआ है, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से नहीं दिख रहा. और ये पूरा हाईवे जाता है, ये पूरा हाईवे ही नीचे. तो बहुत अच्छा मौसम है आज, हम लोग तो घूमने निकले हैं अभी तो सब जगह पे ऐसा लग रहा है मुझे. यहाँ से सिटी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ से पूरा सिटी दिखेगा आपको. और ये वाला जो मैं बोल रहा था वो गाड़ियों का पूरा सेकंड हैंड यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और उसके पीछे वो बाइक का शोरूम है, सुजुकी बाइक का. चलो, तो आज मौसम अच्छा है इसलिए धूप निकली हुई है, वरना यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है, ऐसे विंटर में तो बहुत ही कम निकलती है. तो आज अच्छा है मौसम, और ठंड भी इतनी नहीं लग रही जिसकी कल लग रही थी हमको. और ये पूरा क्रॉस करके सामने से हम लोग इधर आए हैं, इस नीचे जाएंगे हम लोग. यहाँ पे सामने वो दिख रहा होगा आपको शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे जाएंगे और सिम खरीदेंगे पहले. उसके बाद दो तीन चीज़ें और लेनी है घर के लिए, वो भी ले लेंगे हम लोग. यहाँ सब जगह बस स्टॉप मिल जाएगा.
और सामने पेट्रोल पंप भी है, टेस्को एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नाम है। और नीचे का व्यू, तो बस ये वाला जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पे हमको मिल जाएगा कार्ड, मे बी तो कार्ड हमको एक ही लेना है। और घूम हम कल से घूम रहे हैं, तो यहाँ पे गाड़ियाँ देख के पास मतलब चलना पड़ता है। तो ये कुछ मॉल है यहाँ का, पीछे से दिखा रहा हूँ मैं आपको, भी सामने से ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हर मॉल के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि आपको हर तरह की ब्रांड्स मिल जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर जो मिलता है आपको, उसी तरह से हर तरह की ब्रांड आपको हर मॉल में मिल जाएगी। और सिम कार्ड्स भी यहाँ पर अवेलेबल है मॉल के अंदर, तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ के 2-3 सिम कार्ड्स की कंपनियाँ ही अवेलेबल है, तो अपने जैसे जियो है, टेमस, इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑरेंज करके है उनका सिम कार्ड अवेलेबल है। और हम लोग ये शॉप में आए हैं अभी, तो शॉप के अंदर सब कुछ लेने के लिए, तो कुछ शॉपिंग करनी है भाई साहब को, तो इसलिए आए हैं अभी अंदर। देखो यहाँ पे 1 यूरो लिखा है, 1 यूरो जैसे अपना होता है ना डी मार्ट, उस तरह का कुछ ये शॉपिंग सेंटर है। और यहाँ पे थोड़ी घर से रिलेटेड चीज़ें लेने आए हैं अभी।